नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय, रिमेंबर स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव है ये, तो y इक्वल टू 5 साइन ऑफ x cos ऑफ 40 पाई t, x and y are in centimeter, t is in second, the separation between two adjacent nodes, you know in a stationary wave separation between two nodes is lambda by 2, separation between two adjacent nodes is always lambda by 2. और आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता होगा तो इक्वेशन देख के समझ में आ जाएगा, याद तो होना चाहिए वैसे. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, इट इज y इक्वल टू a एम्पलीट्यूड साइन ऑफ kx, राइट, और ये एक्चुअली r होता है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, इफ यू रिमेंबर लूप बनने के बाद एम्पलीट्यूड r, kx cos ऑफ ओमेगा t, नहीं भी याद होता तो देख लो, x है ना तो x के साथ t होता है, t है ना t के साथ ओमेगा होता है. Therefore, by comparing, you get k equal to 1 and omega equal to 40 pi t. Right? 40 pi. Okay, 40 pi. So 40 pi. But हमको जरूरत भी नहीं है उसकी, because you know k is 2 pi by lambda. So lambda equal to 2 pi. Correct? आपको क्या चाहिए था? So this is 2 pi by 2, मतलब ये आएगा pi, pi मतलब 3.14 सेंटीमीटर, ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, फिर क्या करेंगे अब? What will you do in this case? Because there's nothing like this here. तो roughly 3, तो roughly 3, तो इन्होंने दिया है option number A, but option number A तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे छोटा सा problem है. और वो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में है मिसप्रिंट. ओके, तो यहाँ पे 2 पाई बाय 3 है, मतलब आई एम करेक्टिंग दैट क्वेश्चन हियर. तो यहाँ पे वो देयर इज समथिंग मिसिंग एंड दैट मिसिंग पार्ट इज 2 पाई बाय 3, राइट. तो अब कंपेयर करो, तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज के इक्वल टू 2 पाई बाय 3, right? तो वो wrong था. What is k? K is 2 pi by lambda equal to 2 pi by 3. Cancel, cancel. तो lambda equal to 3 centimeter, right? तो हो गया अभी solve. तो यहाँ पे आप डालोगे 3 centimeter. 3 centimeter by 2 is 1.5. तो 1.5 centimeter is option number A. तो the question was misprinted. At what temperature will the speed of sound in air be 3 times its value at 0 degree? हमने already इस type का question solve किया है. At what temperature the speed of sound in air, you know, speed of sound in a gas is gamma RT by N. अभी दोनों cases air के है, right? तो gamma constant, R constant, M constant, the V is proportional to T. मतलब T is proportional to V square. At what temperature, मतलब T2 by T1 equal to V2 by V1 square. At what temperature the speed is 3 times, मतलब V2 by V1 is 3, है ना, बोला है ना, but V2 is 3 times of V1, तो V2 by V1 कितना 3, तो T2 by T1 और T1 कितना 0 degree, मतलब कितना 273 equal to, ये V2 by V1 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो T2 will be 9 into 273. यहाँ सोचना नहीं, यहाँ पे 273 into 10 कर लेना, उसमें से 273 माइनस कितना आएगा 229, कैसे आएगा, हाउ कैन इट बी 273 से छोटा ही आएगा ये, तो हाउ मच, अरे As I told you, into 10 कर लो, उसमें से 273 माइनस कर लो, कितना आएगा 2457. एक्चुअली दो बार माइनस करना चाहिए, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये केल्विन में है,
तो आपको आंसर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो वापस एक बार 273 माइनस कर लोगे तो डिग्री सेल्सियस में बन जाएगा, कितना आएगा ये 2184 डिग्री सेल्सियस, दिस इज व्हाट यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी। सो एक्चुअली अगर आप इसको ये सब कैलकुलेशन नहीं भी करते, जस्ट लुक हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 9 × 273 मतलब अगर मैं 10 × 273 करूंगा उसमें से 273 कम होगा, राइट right? मतलब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 2730 में से 273 कम होगा, ये कम करने के बाद आपको मिलेगा केल्विन में, अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो और एक बार 273 कम होगा, करेक्ट। इसका मतलब जो आखिरी नंबर है वो 4 होना चाहिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यस आखिरी में 10 जीरो मतलब 10 है ना, उधार लोगे ना आप, हैव यू इवन बोरोड समटाइम्स, ओके मुझे 1 दे दो, फिर ये 3 × 12 ओके इसको 1 दे देगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो आखिरी नंबर क्या आएगा 4 आएगा, राइट right? और ऑलरेडी ये 2730 है, उसमें से क्या मैक्सिमम 500-600 कम हो रहा है, तो 500-600 कम और आखिरी में 4, एक ही नंबर है 2184, बाकी कौन सा नंबर है जिसमें 4 है, ए लेकिन ये 1184 है, नहीं हो सकता, राइट right? तो विदाउट डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया मैं बता देता हूं, 273 × 9 की जगह पे मैंने कर लिया 273 × 10, करना था 9 मतलब 273 एक्स्ट्रा ले लिया, और एक बार 273 माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन से डिग्री में जाना है, तो केल्विन से डिग्री में जाने के लिए एक बार और आप 273 कम करोगे, मतलब आप 273 दो बार कम करोगे, और 273 और 273 जब ऐड करोगे तो आखिरी में 6 आएगा, क्योंकि लास्ट के दो नंबर क्या है 3 और 3 है ना, राइट 273 + 273, और जब आप 2730 में से ये 273 दो बार माइनस करोगे तो आखिर में 4 आना चाहिए, लास्ट डिजिट 4, कौन से ऑप्शन में है ए एंड सी में, राइट right? लेकिन आप 2730 में से यू आर सब्ट्रैक्टिंग अराउंड 5-600 मोर और लेस, तो 2100 के आसपास आंसर आएगा, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, गुड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A pipe 30 centimeter long is open at both the ends. Good. Which harmonic mode of the pipe resonates at 1.1 kilohertz source. Good. Simple. You know, pipe open at both the ends have all the harmonics present. Or agar aapko yaad hoga, mth harmonic ka frequency. Frequency of mth harmonic. Of mth harmonic, harmonic. I am not saying overtone. क्योंकि overtone बोलूँगा तो pth overtone आप बोलोगे p+1 n. First overtone, second harmonic, second overtone, third harmonic, third overtone, fourth harmonic, right? मैं यहाँ पे harmonic की बात कर रहा हूँ, overtone की नहीं. तो पहला harmonic मतलब fundamental, दूसरा harmonic मतलब 2 times of fundamental, तीसरा मतलब 3 times of fundamental. तो mth harmonic मतलब m times of फंडामेंटल, राइट गुड। आपको पूछा है कि कौन से हार्मोनिक में है, ओवरटोन नहीं, विच हार्मोनिक मोड, हो गया सॉल्व। वो ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 1.1 kilohertz, दिस इज गिवन टू यू 1.1 kilohertz, 1.1 kilo मतलब 10³, और ये ओपन पाइप था तो ओपन का V/2L होता है, नॉट 4 बट 2, और ऊपर से आपको पता होना चाहिए दिस इज Of course, 1100, 1.1 into 1000 is 1100. M, V की वैल्यू कितने दी है? 330. पाइप का लेंथ कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, राइट? सेंटीमीटर है ना? हाँ, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻². अब, this is, of course, एक और एक तो उड़ा दिया मैंने. Done. Then, this is 11 tensa. This is 11 threesa. This is 3 onesa, 3 tensa. Correct? 10
और 10^-2 इज 10^-1, तो 2 इंटू 10^-1 इधर शिफ्ट कर दो, तो m इक्वल टू 2 इंटू 10^-1 इंटू 10, है ना, ये 10^-1 था इंटू 2 था, शिफ्ट कर दिया तो 2 इंटू 10^-1 आ गया, और यहां का बचा हुआ 10, ये और ये भी हो गया कैंसल, तो क्या बचा 2, तो कौन सा हार्मोनिक है, सेकेंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप 17 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज एट वन एंड, विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.7 किलोहर्ट्ज। इट्स सिमिलर नॉट द सेम, क्योंकि वहां पे ओपन पाइप था, यहाँ पे क्लोज्ड पाइप है, तो जैसे आपने यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक फॉर ओपन पाइप, वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक फॉर क्लोज्ड पाइप, ओके राइट, है ना, हार्मोनिक पूछा है, हार्मोनिक तो हार्मोनिक है, ओवरटोन की जब बात होगी तो क्लोज पाइप के केस में फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड इज सेवेंथ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन इज नाइन्थ हार्मोनिक। यहाँ पे ओवरटोन पूछा है कि आपको हार्मोनिक तो हार्मोनिक है, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एम हार्मोनिक इज एम टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओनली चेंज हियर विल बी दैट कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वी बाय 4L आएगा, दैट्स इट। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2m+1 लिख देते हैं यहाँ पे, दे गेट कंफ्यूज विद ओवरटोन एंड हार्मोनिक, हार्मोनिक इज हार्मोनिक, हार्मोनिक मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, राइट, गुड। तो अब ये आपको दिया है 1.5 किलोहर्ट्ज, 1.5 किलो मतलब 10^3, और m पूछा है, और v आपको दिया है 340, और 4 इंटू एल लेंथ ऑफ द पाइप इज 17 सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर, 1 and 20 and 5 राइट, और ये है 1500, तो यू विल गेट 1500 इक्वल टू 500 m, 1 and 3 तो m इक्वल टू 3, तो थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवर टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस्ड बाय अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज ऑफ फ्रीक्वेंसी नू, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो नू है। द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ विल बी, जो यू रिमेंबर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, ओपन और क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताया था, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्लोज्ड पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v by 4l, इसको हमने लिखा था v by 2 into 2l, लेकिन v by 2l is fundamental frequency of open pipe, तो n0 by 2, therefore 2 times of closed pipe का fundamental frequency equal to open का, क्या बोला है, fundamental node produced by closed organ pipe is of frequency nu, right, so 2 times of nu, so what is the fundamental node of open pipe of the same length, so what it is 2 times of nu, that is option number C, simple question. Next question, an observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of velocity of sound, an observer moves towards a stationary source, मतलब Vs is definitely zero, observer मतलब listener, and it moves towards a stationary source with velocity which is 1/5 of speed of sound. Percentage change in the apparent frequency is, percentage change in the apparent frequency. So first of all, you should know कि यहाँ पे जो apparent frequency होगा, that will be real or V plus VL by V. Why? Because observer is moving towards, मतलब distance कम, मतलब apparent frequency greater than
एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मतलब apparent by actual greater than one, तो greater than one मतलब ratio greater than one, ratio greater than one मतलब numerator greater than denominator, तो v plus vl by v, तो formulas याद होने चाहिए, तो पहले इसको solve कर लो, of course it is pretty simple, वैसे तो percentage change बोला है, तो मैं यहाँ से आगे दो method है, it's up to you how do you want to solve this, so there are two methods this point onwards, एक एक तो ये पहले find करो, right? फिर आप बोलोगे apparent frequency minus real frequency upon real frequency into 100 is percentage change. है ना? Apparent, how do you find out percentage change? Final value minus initial value upon initial value into 100. तो एक तो ये है कि NA find करो, right? दूसरा NA find करने के लिए N 0 चाहिए जो है नहीं, दिया है क्या? नहीं दिया है, नहीं दिया है ना? दिया है क्या आपको what is original frequency? नहीं, तो दूसरा काम आप ऐसा करो Na equal to N0, where N0 is original. V by VL is 1 plus VL by V. Good. अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो Na equal to N0, N0, 1 plus. What is VL by V? 1 by 5. 1 by 5, good, right, तो इसको आप लिख सकते हो, हाँ 6 by 5 भी लिख सकते हो, या फिर otherwise, what you can do is Na equal to No plus No by 5, ऐसा क्यों किया, क्योंकि percentage का मैंने अभी अभी आपको formula बताया, क्या बताया, Na minus No by No, तो पहले इसको No, apparent, मतलब final frequency minus real, मतलब initial frequency, Equal to इससे क्या होगा इससे मुझे डायरेक्टली ही मिल रहा है ना सीधा सीधा मुझे मिल गया क्या यस करेक्ट ओके अब अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कितना आएगा 20 मतलब आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी Next question. A band playing music at a frequency U. I think it should be nu, not U. So, ye correction hona chahiye. We'll check it out, but I think it should be nu. Okay. So, the band is playing frequency nu. Is moving towards a wall at a speed of VB. Ye bhi galat hai. This is also not printed really well. So, theek hai. तो स्पीड इज वी सफिक्स बी तो स्पीड हियर इज वी सफिक्स बी वी बी ओके तो याद रखना देयर आर करेक्शंस ओवर हियर लिटिल बिट ऑफ करेक्शंस प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स डजंट मैटर रियली तो स्पीड इज वी बी वी सफिक्स बी अ मोटरिस्ट कैन बी अ कार इट कैन बी अ मोटरसाइकिल इज फॉलोइंग द बैंड With a speed of Vm, V suffix M basically. तो यहाँ पे भी correction है. That it is V suffix M. The motorist is following the band with a speed which is V suffix M. V suffix M. If V is the speed of sound, the expression for the beat frequency heard by the motorist is. Question एक बार और देख लो. A band is playing music at a frequency nu, is moving towards a wall. Of course, wall must be stationary, right? Wall to move nahi ho sakta na, so wall is stationary. At a speed of V suffix B, matlab source is moving towards a stationary listener. Assuming wall is listener. Kyun batata hu? Motorist is following the band. There is a motorist, maybe a motorcycle, maybe a car is behind the band, right? It is following the band with the speed of V suffix M. If V is the speed of sound, the expression for beat frequency. From beat frequency, कहाँ से आ गया यहाँ पे? Beats के लिए तो दो frequencies चाहिए ना? When are beats produced? When you have two sources of sound. यहाँ तो एक ही source है. कौन सा? Band. तो how come beat frequency? How come they're asking beat frequency? So of course you need to know. Imagine this is ground level. Imagine you have a wall here.
This is a wall. Imagine you have a wall. Imagine you have band somewhere over here. So you have band over here. Ye band hai. Maan lena ye band hai. Okay. I'm not going to draw people playing band. So this is band. Okay. Then you have a motorist. Motorist. There is a motorist behind this. So of course. यहाँ पे एक मोटरिस्ट है विच इज बिहाइंड दिस देयर इज अ मोटर हियर तो समझ लेना ये मोटर है दिस इज मोटरिस्ट ओके इमेजिन दिस इज मोटरिस्ट व्हाट विल हैपन इज पहली बात तो जब दे आर आस्किंग योर बीट फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन मस्ट राइज कि बीट की बात तब होगी जब दो सोर्स ऑफ साउंड होंगे हमारे पास एक ही है बैंड तो होगा क्या ये जो बैंड प्ले कर रहे हैं ये इसका डायरेक्ट साउंड जाएगा मोटरिस्ट के पास और एक साउंड आएगा जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वॉल से तो ये दो फ्रिक्वेंसीज व्हेन दे रीच मोटरिस्ट दे विल बेसिकली प्रोड्यूस बीट्स ऑफ कोर्स क्यों देखो ऐसा है ऑफ कोर्स कि ये जो बैंड है वो तो एक ही फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है लेकिन जो फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट जा रहा है वो और जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो दे विल नॉट बी द सेम तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड रीचिंग द मोटरिस्ट डायरेक्टली व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड रीचिंग द मोटरिस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल तो अब डायरेक्ट का केस तो बहुत सिंपल है क्योंकि डायरेक्ट के केस में यू नो मोटरिस्ट फॉलोइंग मतलब लिस्नर चेजिंग सोर्स तो लिस्नर चेजिंग सोर्स इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को पता होना चाहिए व्हेन अ लिस्नर इज चेजिंग सोर्स ऑफ साउंड वो पता होना चाहिए सो नंबर वन केस नंबर वन साउंड डायरेक्टली रीचिंग motorist from band और obviously यहाँ पे पता होना चाहिए लिख लेना कभी भी confusion create करने से better है लिख लेना who is listener motorist is listener who is source band is source right so when इसका मतलब listener chasing source इसका एक direct formula है which is pretty simple I don't know if they have mentioned it somewhere I don't know, but anyways, तो हम लोग देख लेंगे कि क्या आएगा इसका फॉर्मूला ओके सो फॉर डायरेक्ट साउंड वेव्स इट इज अभी समझ लो मैं आपको बता ही देता हूँ साइन कन्वेंशन मे बी यू विल नॉट फाइंड दिस इन बुक्स यू शुड नो बाय डिफॉल्ट एज अ रूल बोल सकते हो इसको एज अ रूल हम ऐसा करते हैं कि जो लिसनर है लिसनर को आप हमेशा लेफ्ट में पहले रखोगे सोर्स को बाद में By default, तो left to right देख रहे तो पहले listener है और बाद में source. अब आपको पता है basic structure of the formula, apparent frequency. It is real frequency V, VL upon V, VS. Right? अच्छे से समझ लेना और अच्छे से सुन लेना ये statement. By default, listener is kept on the left. As a rule, convention, जैसे optics का convention थे. Source is there on the right side. Right? When listener is chasing source, Listener is chasing source. दोनों का velocity का direction क्या है Plus x axis. Both are moving towards positive direction of x axis. तो यहां पे हम by default लिखते हैं plus and plus as a rule. तो as a rule, you know, when listener chases source. So by default, you have this formula. उल्टा अगर होता अगर source was chasing listener, example आप जा रहे हो आप listener हो आपके पीछे से truck आ रही है जो horn blow कर रही है तो सोर्स दैट इज ट्रक इज चेजिंग लिस्नर दैट इज यू तो यहां पे बाय डिफॉल्ट
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? नेगेटिव, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये एज अ रूल है, एज अ कन्वेंशन है. गुड. तो व्हेन लिस्नर इज चेजिंग सोर्स यू हैव प्लस प्लस, व्हेन सोर्स इज चेजिंग लिस्नर यू हैव माइनस माइनस. तो सबसे पहला, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. किसका फ्रीक्वेंसी? साउंड का. कहां से आया? बैंड से. कहां गया? डायरेक्टली गया किसके पास? मोटरिस्ट के पास. तो दिस इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द मोटरिस्ट फ्रॉम द साउंड डायरेक्टली रीचिंग मोटरिस्ट डायरेक्टली. अब केस टू, इसको मैं ऐसा रख लेता हूं, जस्ट इन केस. सॉल्व नहीं करूंगा मैं. आई नो व्हाट इज एन जीरो, आई नो व्हाट इज वी, व्हाट इज वीएल, व्हाट इज वीएस, सब पता है. सब दिया भी होगा, नहीं दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर्मूला ही बनाना है हमको बेसिकली, तो फॉर्मूला बना लेंगे. समटाइम्स दे विल आस्क यू वैल्यूज, दे विल नॉट आस्क यू फॉर्मूला बट दे विल आस्क यू वैल्यूज समटाइम. तो ठीक है, अभी फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला बनाते हैं. केस टू, केस टू, साउंड रीचिंग मोटरिस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, अब मैं आपको पहले डिटेल बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, फिर बाद में आपका काम रहेगा जस्ट टू रिमेम्बर दैट. अब इसमें दो केसेस है, इसमें वापस दो केसेस है. केस ए, पहले क्या होगा? पहले ये जो बैंड है ये होगा सोर्स, और जो वॉल है इट विल बिहेव लाइक अ लिसनर. तो यहां से साउंड जाएगा वॉल पे, राइट? तो वॉल पे कितना फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा? क्योंकि यू नो इन दिस केस हु इज स्टेशनरी? वॉल मतलब लिस्नर. हु इज मूविंग? सोर्स. तो इस केस का जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं बोल देता हूं एन ए डैश, दिस इज इक्वल टू एन जीरो बी, who is stationary? Listener, मतलब wall, upon VN. Good. Now tell me one thing. Band is moving towards wall, बोला है क्या? No. Is moving towards. Towards मतलब distance कम होगा. Distance कम होगा, मतलब ये NA dash by N0 का ratio greater than one होगा. Greater than one होगा, तो numerator greater than denominator होगा, मतलब नीचे आएगा minus. Correct? अब ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो कहाँ जा रहा है? मोटरिस्ट के पास. मतलब नाउ वॉल विल बिहेव एज अ सोर्स एंड मोटरिस्ट विल बिकम लिस्नर. गुड. तो इसका केस भी, इसका केस भी ऐसा है कि वॉल विल बिहेव एज सोर्स एंड मोटरिस्ट विल बी लाइक लिस्नर. गुड, क्लियर यहां तक? तो इस केस में जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी होगा double dash as heard by motorist equal to real frequency, लेकिन real frequency wall का NA dash है, NO नहीं. तो याद रखना, थोड़ा confusion होता है initially. Wall क्या reflect करेगा? जो उसके पास sound पहुंचा, जो frequency पहुंचा वही reflect करेगा ना, right? उसके पास कितना पहुंचा? NA dash. तो NA dash. अब यहां पे कौन stationary है? सोर्स. क्योंकि सोर्स कौन है? वॉल. वॉल तो नीचे क्या आएगा? सिर्फ वी. और ये क्या आएगा? वी और वी एल, लिस्नर है ना, राइट? मैं बाद में थोड़ा चेंज करूंगा फॉर्मूला में, दैट इज करेक्ट. लिस्नर इज मूविंग टुवर्ड्स. क्यों? क्योंकि बैंड वॉज मूविंग टुवर्ड्स वॉल एंड मोटरिस्ट वॉज फॉलोइंग द बैंड. मतलब इन शॉर्ट, मोटरिस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल. तो टुवर्ड्स जा रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यूमेरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. आ गया? अब यहां तक अगर समझ में आया, तो लेट्स गो बैक टू इक्वेशन नंबर वन. यहां पे लिस्नर था आपका मोटरिस्ट, और यहां पे सोर्स था आपका बैंड. तो बैंड, राइट? क्लियर? इन सेकेंड केस हियर, सोर्स आपका था बैंड बीबी, और इन केस बी हियर लिस्नर आपका था मोटरिस्ट. करेक्ट?
अब आप क्या कर सकते हो, आप ये जो आप इक्वेशन नंबर टू है वो इक्वेशन नंबर थ्री में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री एन ए डबल डैश इक्वल टू वी प्लस वी मोटरिस्ट अपॉन वी एंड एन ए डैश वी अपॉन वी माइनस वी वी कैंसल एंड कैंसल राइट इनटू ऑफकोर्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन ओ करेक्ट गुड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय मोटरिस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन राइट और यहां पे इक्वेशन नंबर वन था इट वॉज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय मोटरिस्ट डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम द बैंड तो ऑब्वियसली व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी नहीं बीट फ्रीक्वेंसी एन वन माइनस एन टू राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज एन वन माइनस एन टू तो बीट फ्रीक्वेंसी एट एज हर्ड बाय मोटरिस्ट इज Therefore, beat frequency is अब अगेन वापस एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको पता तो लग गया अब कि एक डायरेक्टली जा रहा है और एक रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो क्वेश्चन आ गया कि एन ए माइनस एन ए डबल डैश लिखना चाहिए या एन ए डबल डैश माइनस एन ए लिखना चाहिए क्योंकि बीट फ्रिक्वेंसी तो एन वन माइनस एन टू अगर एन वन ग्रेटर देन एन टू है या तो n2 माइनस n1 अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो यहाँ पे भी दो केसेस है तो जो साउंड वॉल से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी या माइनस माइनस जो डायरेक्टली पहुंच रहा है वो फ्रीक्वेंसी या द अदर वे राउंड कौन सा लिखेंगे नीचे वाला नहीं क्यों नहीं क्योंकि देखो पहले तो बैंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब वॉल पे जो पहुंचा वो ऑलरेडी ज्यादा है कंपेयर टू रियल वन फिर रिफ्लेक्ट होके आया तो मोटरिस्ट इज आल्सो मूविंग टूवर्ड्स मतलब वापस से रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस तो इसका दो बार आप बोल सकते हो एम्प्लीफिकेशन हुआ दो बार इसकी वैल्यू बढ़ी तो एन ए डबल डैश विल बी ग्रेटर देन एन ए देख लेंगे नहीं तो फिर चेक करेंगे एक्सपेक्टेड इज दिस तो एन ए डबल डैश माइनस एन ए इज इक्वल टू अब व्हाट इज एन ए डबल डैश अभी फाइंड किया आपने और इसी पेज पे लिखा हुआ है इट इज वी प्लस वी एम अपॉन वी माइनस वी बी इनटू ओरिजिनल वी प्लस वी एम अपॉन वी माइनस वी बी इनटू ओरिजिनल राइट माइनस व्हाट इज एन ए वी प्लस वी एम अपॉन वी प्लस वी बी इनटू एनओ है ना तो वी प्लस वी एम अपॉन वी प्लस वी बी वी प्लस वी बी एन ओ इसमें से जो कॉमन निकालता है निकाल लो वी प्लस वी एम और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन ओ ये कॉमन निकलेगा वन अपॉन वी माइनस वी बी माइनस वन अपॉन वी प्लस VB, 1 upon V plus VB is equal to NO V plus VM cross multiply V plus VB minus V minus minus plus VB upon A minus B into A plus B A square minus B square so V minus B into V plus B is V square minus VB square so this is what you have राइट तो ये ऐसा आपको मिल जाएगा अब द क्वेश्चन हियर इज ओके गुड तो फाइनली तो व्हाट यू कैन डू इज यहां पे जो जो कैंसिल होगा वो कर दोगे कैंसिल तो फाइनली दिस इज इक्वल टू व्हाट इज एन जीरो इन रियलिटी नू तो नू ये क्या आ गया टू टाइम्स ऑफ वी 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 प्लस वी एम अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर ऐसा कुछ मिलना चाहिए अब देखो है क्या देखो टू टाइम्स ऑफ नू टू नू वी बी वी बी वी बी हियर ओके वी प्लस वी एम अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी
So that's it for today. We'll continue with more questions in the next session.